हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ मटन करी की रेसिपी। फ्रेंड्स ये रेसिपी देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। और अगर आप बिगिनर्स हैं ना और आपने कभी नॉनवेज नहीं बनाया है, तो जिस तरीके से मैंने इस मटन करी को बनाया है ना, अगर आप वैसे बनाएंगे तो आपकी मटन करी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और जो तरीका है ना वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक प्रेशर कुकर, तो इसमें डालेंगे हम सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल। चिकन बनाएं चाहे हम लोग मटन बनाएं, उसको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल में ही उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल की क्वान्टिटी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो मैं डाल रही हूँ सबसे पहले जीरा, 3 से 4 डाल देंगे इसमें हम लौंग, और 1 डालेंगे इसमें स्टार फूल, और 3 से 4 तेज़पत्ता डाल देंगे। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। खड़े मसालों को डाल देंगे, डालकर इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, बस 1 से 2 मिनट ही भुनेंगे, क्योंकि जो ऑयल है वो गर्म है तो इसको बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो मैं यहाँ पर 3 प्याज मैंने कट किए हैं, लंबे स्लाइस से मैंने प्याज को कट किया है। तो प्याज डाल देंगे इसमें, प्याज डाल करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। और यहाँ पे प्याज को हम थोड़ी देर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, थोड़ी देर प्याज को हम भूनेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ, बीच में मैंने इसको एक बार और मिक्स किया था। तो यहाँ पर देखिए जो प्याज है ना वो थोड़ा सा भून गया है, पर अभी प्याज को और भूनेंगे। तो फिर से इसको ढक देते हैं और यहाँ पर टोटल मैंने प्याज को 5 मिनट भून लिया है। देखिए प्याज जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, बस इससे ज़्यादा प्याज को नहीं भुनेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटन। तो यहाँ पे मैंने देखिए मटन को अच्छे से वॉश कर लिया है, तो मटन डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने जो ये मटन की क्वांटिटी है ना, ये 1 kg मटन है। मटन डाल करके अच्छे से इसको अब हम मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है सभी मसालों के साथ। और यहाँ पे अब हमें मटन को अच्छे से भुनना है प्याज के साथ, 1 से 2 मिनट इसको भुनेंगे। तो इसको ढक देते हैं और यहाँ पे 2 मिनट हो गए थे, तो अब इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम अब यहाँ पे मीडियम रहेगा। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बिल्कुल फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और इसमें मैंने जो गार्लिक की क्वान्टिटी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, और जिंजर जो है वो थोड़ा सा कम है। अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे इसमें जीरा पाउडर। 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा मटन का। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून मटन मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं मटन मसाला। मटन मसाला डाल देंगे। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, तो 1/2 टीस्पून डाला है मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। अब डाल करके सभी मसालों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें पानी वगैरह हम नहीं ऐड करेंगे, पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे फ्रेंड्स बस एक ही काम करना है कि मसालों को हमें यहाँ पर अच्छे से भूनना है, अच्छे से कम 35 से 40 मिनट हम यहाँ पर मसालों को अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको ढक देना है, बस ढक देंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना, क्योंकि इसमें पानी हमने नहीं ऐड किया है। तो बस आप इसको 5-5 मिनट पे आप इसे इसको इस तरीके से मिक्स करते रहें। और अभी देखिए जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे ना, तो मसालों का कलर भी चेंज हो जाएगा और जो ऑयल है ना बिल्कुल अलग हो जाएगा मसालों से। तो इसको लगातार ऐसे ही हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। इस मसाले को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम यहाँ पे इसको भूनेंगे। और देखिए मसालों में से थोड़ा सा जो पानी है ना वो निकलने लगा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पे 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को भी देखिए मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो टमाटर डाल देंगे इसमें, टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर डाला है तो टमाटर भी पानी रिलीज़ करेगा। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, पर अभी हम यहाँ पे मसालों को और भुनेंगे तो टमाटर जो है वो वैसे ही उसका पेस्ट बन जाना है टमाटर का, तो पीस के डालने कोई ज़रूरत नहीं, आप कट करके ही डालें। तो बस अब इसको ढक देना है, बस इसको बीच बीच में चलाते रहे आप और फिर इसको ढक दें। तो
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मसालों को भुनते हुए मुझे टोटल 15 से 20 मिनट हो गए थे और देखिए थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है ना वो निकलने लगा है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 से 3 हरी मिर्च, बीच में से कट कर लिया है, और नमक ऐड कर देंगे अब इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मसालों को भुनते हुए मुझे टोटल 25 मिनट हो गए थे। तो देखिए मसालों का जो कलर है धीरे धीरे चेंज होने लगा है, पर अभी मसाला अच्छे से भुना नहीं है। तो ढक देंगे, बस बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। और यहाँ पे ये देखिए मसालों को भूनते हुए मुझे टोटल 30 मिनट हो गए थे। देखिए मसाले अच्छे तरीके से भून गए हैं। प्याज तो बहुत ही अच्छे तरीके से भून जाता है, प्याज आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा मसालों में, इसीलिए हमने प्याज को स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं भूना था, क्योंकि मसाले ज़्यादा देर तक हम भूनते हैं तो प्याज वैसे ही गल जाता है। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे टोटल भूनते हुए मसालों को 40 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं कि जो ऑयल है ना पूरी तरह से अलग हो गया है और मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से भून गए हैं। इसकी जो खुशबू है ना वो तो पूरे घर में फैल गई है। और आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है मसालों का और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। और यहाँ पर जो ये मटन होता है ना, ये 70% की कुक हो चुका है मसाला भूनते भूनते ही। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ एक गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है, छोटे वाले गिलास से। आप पानी अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आप पतली ग्रेवी चाहते हैं तो ज़्यादा पानी ऐड करें, अगर आप ठीक चाहते हैं तो कम पानी ऐड करें। तो बस देखिए मैंने एक गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, अब सिर्फ 2 विसल लगाएंगे हाई फ्लेम पर, और जो ये मटन है ना ये कुक हो जाएगा, क्योंकि ये मटन ऑलमोस्ट 70% कुक हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम पे 2 विसल आएगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। इसका सारा प्रेशर निकलने के बाद ही हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे। प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद देखिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मटन का जो कलर है, कलर ही आपको बता देगा कि मटन कितना ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो यहाँ पर देखिए मटन अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अभी हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और कुछ इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, ज़्यादा नहीं देर ऑन करना है। तो इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। और देखिए देखने में कितना ज़्यादा ये यम्मी लग रहा है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में रोस्टेड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड करें। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और देखिए हमारा जो ये मटन करी है ना ये बन के रेडी हो गया है। बस गरम मसाला डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब गैस का फ्लेम हम बंद करके इसको हम ऐसे ही ढक के रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो मटन में चला जाए और जो कसूरी मेथी डाला है उसका भी फ्लेवर। अभी आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ कि जो मटन देखिए अच्छे तरीके से कुक हो गया है। तो मैंने बताया था ना कि 70% जो मटन होता है ना वो तो आपका मसाला भूनते भूनते ही कुक हो जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप चिकन बना रहे हो या मटन बना रहे हो, अगर आप मसाले को अच्छे तरीके से भून रहे हैं ना तो आपका चिकन और मटन दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। बिल्कुल जब तक आप मसाले को तब तक भूनिए जब तक कि मसालों में से जो ऑयल है ना बिल्कुल अलग ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं मटन करी को एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके मटन करी बनाएंगे ना तो आपकी जो ये मटन करी है ना ये रेस्टोरेंट या होटल से भी ज़्यादा ये टेस्टी बन के रेडी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।